तो मैं रात को ख्वाब में देखती हूँ और मुझे घूमने का शौक है, दूसरी कंट्रीज में जाऊँ, वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो जानने का शौक है। है एक मेरा दोस्त है, वो काफी अच्छा है, मिलके गपशप लगाते अच्छा लगता है। कुछ वो मुझे समझाता है, कुछ मैं उसे समझाती रहती हूँ, इस तरह जिंदगी गुजरती रहती है। नहीं लोग तो, माशरे के लोग तो बहुत घटिया, बहुत बुरे हैं। वो तो रास्ते से गुजरते हो तो कोई ना कोई छेड़ा छाड़ी कर देते हैं। पहले मैं फिल्में देखती थी मगर अब मैं फिल्में नहीं देखती, मैं खबरें सुनती हूँ ज़्यादातर। हमारे राइट्स भी डिफरेंट नहीं है एक आम इंसान से। आप एयरपोर्ट पे चले जाएं तो मुझे जब भी लगता है कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मैं ऑन द राइट टाइम उन्हें स्टॉप करती हूँ। हाँ, बाबर अली अच्छा लगता था और अक्षय कुमार। वरुण धवन आपके भाईजान है वो। बॉलीवुड से ज़्यादा मैं अपना लॉलीवुड का अप्रिशिएट करूँगी। जो आपके रियल लाइफ में हीरो होते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ये मेरी वालदा मेरी हीरो है। मेरी अम्मी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे संभाला है, मेरे हर दुख तकलीफ को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ और मुझे मतलब आगे बढ़ने का उन्होंने हौसला दिया। मैं एक मेला करी थी, वहाँ पे 8-10 लड़के थे तो मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए, उन्होंने मेरा रेप किया। मैंने वहाँ पे मतलब काफ़ी शोर डाला, उन्होंने मेरे पैसे छीने, मेरे मोबाइल छीन लिया, मारा पीटा। मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि किसी ने मतलब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे साथ ऐसे किया। एक दफ़ा हुआ था, लड़कों ने बुला के 5-6 थे, फिर उन्होंने बदतमीजी शुरू की, सिगरेट वगैरह लगाए थे। 10 साल की एज में मैंने अपना घर छोड़ा था, फैमिली से अलग हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक फुटपाथ पे सोई, वहाँ से मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ। फिर मैं डेरे पे रही, मैंने बहुत सारा टाइम उस डेरे पे गुजारा। हाँ, काफ़ी दफ़ा, एक वो सियालकोट का हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी गई थी प्रोटेक्ट, मैं भी थी, और फिर इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आता है, तो आई थिंक एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। किसी फंक्शन पे हम लोग गए तो हम लोगों ने शराब पी के हम लोगों को पूरी रात वो मारते रहे, तशद्दद करते रहे। हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे हमारी किसी ने फरियाद नहीं सुनी, गालियाँ निकाली और हमें पुलिस स्टेशन से निकाल दिया। एक मर्डर हुआ है यहाँ पे मस्कान का, मैंने जब उसकी डेड बॉडी देखी थी वॉशरूम में तो शायद मुझे वो नहीं भूलता। यू नीड टू क्लेम योर स्पेस इन सम मोमेंट्स, और आई थिंक हमारी कम्युनिटी में से जब क्लेम की गई स्पेस तो रिकग्निशन मिली एक। उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रगल स्टार्ट किया, कुछ लोगों से मिलना शुरू किया। 2006 में फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया कम्युनिटी के लिए एक पदेशी पर्ची से। फिर प्रोटेस्ट किए, कुछ मर्डर हुए, उनके लिए एहतजाज शुरू कर दिए। करते करते फिर मैं ये जो ख्वाजा सरा सोसाइटी बनी हमारा ऑफिस प्लेटफॉर्म, मैंने किसी शहर में 2006 में देखा था, छोटा सा ऑफिस था और वहाँ पे एक ट्रांस को रखा था उन्होंने, तो मेरे दिल में एक आग भड़की के लाहौर बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। काफ़ी हमारे एक्टिविस्ट हैं जो ख्वाजा सरा, वो हमारे लिए काम कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में चेंज आया और हमारी अब मतलब इज्जत भी करते, रिस्पेक्ट करते और हमारे बारे सोचते भी हैं। आईडी कार्ड में भी आ गया और पासपोर्ट में भी आ गया और मर्दमशुमारी में भी, मतलब हर जगह पे। मैं आपको बहुत, अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं समझती, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे ये पता है कि मैं जो चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और ख्वाजा सरा सोसाइटी में एज ए ड्रॉप इन सेंटर कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। सबसे ज़्यादा पहले तो डांस एक हॉबी नहीं था, इट वॉज माई कंपेनियन वैन आई वॉज लाइक इन फाइट ऑफ आइडेंटिफाइंग माई जेंडर, सो आई थॉट कि डांस इज़ द वन थिंग विद होम आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बाइक लेके घूमना शुरू कर देती हूँ और गाने शुरू कर देती, लगा के नाचने शुरू कर देती। मतलब किसी न किसी साइड से पंगा लिया होता है, वेली नहीं रह सकती। मैं खाना बनाती हूँ, चाहे मुझसे 100 भी हांडियाँ कोई पकवा ले। अच्छी अच्छी मूवीज़ देखती हूँ और 24 घंटे मेरी आँखें ढूंढती रहती है कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जहाँ पे मैं कहती हूँ खूबसूरती एंड हो गई है, तो उसके साथ तब उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँगा। इंटरव्यू पंजाबी च होना या उर्दू च?